रूस अपने दुश्मन यूक्रेन पर एक तरफ तो हमले कर रहा है और दूसरी तरफ वो यूक्रेन को उसके सहयोगियों से मिलने वाली मदद और उनकी योजनाओं पर कड़ाई से निगरानी भी कर रहा है। कुछ महीने पहले की रिपोर्ट्स को देखें तो पता चलता है कि रूस ने यूक्रेन को मिलने वाली मदद और उसकी योजनाओं को विफल करने के लिए अपनी खुफिया योजनाओं को बढ़ा दिया था। इन खुफिया जानकारियों के जरिए रूस यूक्रेन की मदद करने वाले देशों पर दबाव बनाने का भी प्रयास करता है। अब रूस ने एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है जिसमें यूक्रेनी सेना से जब्त की गई सामग्रियों और यूक्रेन को उसके पश्चिमी समर्थकों से मिले सैन्य हथियारों को प्रदर्शन के लिए रखा गया है। प्रदर्शनी में यूक्रेनी सेना से जब्त किए गए कुल 32 वाहन शामिल हैं, जिनमें मुख्य रूप से यूक्रेन को पश्चिमी देशों द्वारा सप्लाई किए गए कवच, छोटे हथियार, ग्रेनेड लॉन्चर और अन्य सैन्य उपकरण शामिल हैं। रूस ने यूक्रेन के जब्त किए गए कुछ बेहतरीन कवच जैसे जर्मन निर्मित लियोपार्ड 2A6 और अमेरिका निर्मित M1A1 SA अब्राम टैंक को भी प्रदर्शनी में रखा। प्रदर्शनी में स्वीडिश निर्मित CV90, जर्मन निर्मित मार्डर इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल आदि शामिल हैं। इनके अलावा रूस की प्रदर्शनी में कई अन्य बख्तरबंद वाहन और कारें हैं। साथ ही सोवियत युग के T-72 टैंक और कुख्यात एजोवेट्स बख्तरबंद वाहन के भी कुछ हिस्से प्रदर्शनी में देखने को मिले। रूस में लगाई गई ये प्रदर्शनी पूरे मई महीने तक लगी रहेगी। इस प्रदर्शनी की फुटेज भी ड्रोन के जरिए कैद की गई है, जिनमें प्रदर्शनी स्थल पर भारी संख्या में भीड़ दिख रही है। हालांकि इस प्रदर्शनी के पीछे रूस की मंशा क्या है ये तो स्पष्ट नहीं हो सका, लेकिन ये जरूर पता चलता है कि रूस यूक्रेन के हथियारों को नष्ट करने और उन्हें अपने कब्जे में लेने में सफल जरूर रहा है।